हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन मेरे चैनल पे। आज अपन देखेंगे कि शेर खान के मोबाइल ऐप में अपन को डिलीवरी में कोई रेट कैसे लेना है। सबसे पहले आप चले जाइए सर्च पे। सर्च पे जाने के बाद आप देखिए इक्विटी में ही होना चाहिए। देखिए कोई भी स्टॉक आपको लेना है वो सर्च कीजिए। बाय सेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो आप डिटेल कोड पे क्लिक करके थोड़ी डिटेल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि हाई और लो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, मार्केट डेप्थ, कितने बायर्स कितने सेलर्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वगैरह सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रेड करना है तो टी दिख रहा है आपको, टी पे क्लिक करते ये खुल जाएगा। अब आपको डिलीवरी में लेना है तो आपको बाय और सेल इन दोनों को ही टच करना है, बाकी और किसी को टच नहीं करना है, और ऑर्डर टाइप नॉर्मल ही रखना है, ठीक है। क्वांटिटी आपको जितनी लेनी हो प्राइस के साथ आपको क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देनी है, और जितना आता है आपके पास उतना फंड उतना आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्राइस जीरो रख देते हो तो जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा, यानी जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक प्राइस रख सकते हैं, जैसे अभी 1696 चल रहा है बट मैं 1690 पे बाय करना चाहता हूँ, या लेट्स से 1680 पे बाय करना चाहता हूँ, तो मैं वो प्राइस रख के प्लेस ऑर्डर कर सकता हूँ। तो जब भी वो प्राइस टच करेगा एक्चुअल प्राइस 1680 तो ऑटोमेटिक मेरा बाय हो जाएगा, बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपन डायरेक्ट प्लेस ऑर्डर करने का, ठीक है, यहाँ से प्लेस ऑर्डर करते ही कन्फर्म कर दीजिए, फिर आपको ऑर्डर बुक दिखाएगा। आप ऑर्डर बुक पे जाइए तो यहाँ पे मेरा रिजेक्टेड दिखा रहा है, बिकॉज ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है और उसके अभी फंड्स डाले हुए नहीं है। तो ऑर्डर का आप देख सकते हैं रीज़न कि एडिशनल मार्जिन ऑफ 366 वुड बी रिक्वायर्ड, पैसे अकाउंट में नहीं है इसमें, तो आप देख सकते हैं इस बार रिजेक्टेड हो गया, अदरवाइज़ आपका पेंडिंग दिखा था, और जैसे ही आपका प्राइस टच करता वैसे आपका फुली एग्जीक्यूटेड दिखा देता। अब डीपी होल्डिंग, आप डीपीएसआर में, ये आपका यहाँ पे दो दिन बाद दिखाएगा। अभी आपने समझो आज ही लिया है तो आज आपको यहाँ पे दिखाएगा नेट पोजीशन एंड टर्नओवर पे कि आज आप प्रॉफिट लॉस क्या है, और दो दिन बाद आपको डीपी होल्डिंग पे दिखाएगा, और लिमिट स्टेटमेंट पे आप देख सकते हैं आपका फंड कितना यूज़ हो चुका है। दो दिन के बाद आपको डीपी होल्डिंग में दिखाएगा, सॉरी नेक्स्ट डे आपको डीपी होल्डिंग में दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप वापस आ जाइए, आपको बेचना हो तो आप ऑर्डर बुक पे जाइए, ऑर्डर बुक पे जाते ही आप देख सकते हैं डीपी होल्डिंग में चले जाइए, यहाँ पे आपका स्टॉक आपको दिखा रहा होगा दो दिन बाद, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सेल कर सकते हैं इजीली, काफ़ी इजी है, ठीक है, समझ गए गाइस। ये एक सरप्राइज़ है आप लोगों का, अगर शेर खान में अकाउंट है ऑलरेडी लेकिन आपकी ब्रोकरेज चार्जेस आपको काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो आपका डीमैट अकाउंट हमारी ब्रांच में शिफ्ट करवा सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि आप कोई भी सिटी से बिलोंग करते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारा आपका अकाउंट हमारे ब्रांच में फ्री में शिफ्टिंग करवा सकते हैं। आप हमको व्हाट्सअप कीजिए, हमारी ब्रोकरेज चार्जेस आप देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है, और इसमें भी अगर आपका टर्नओवर बढ़ता रहता है तो हम ब्रोकरेज चार्जेस और भी रिड्यूस करते रहते हैं। आप ऑप्शंस की ब्रोकरेज देखिए, इतनी ब्रोकरेज तो अभी आपका शेर खान जो ब्रांच है वो तो चार्ज नहीं कर रहा होगा, इससे ज़्यादा ही चार्ज कर रहा होगा डेफिनेटली। और दूसरा बेनिफिट भी आपको मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का, कि हम आपको ये टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे हमारे, जिसमें हम आपको फ्री में डेली बैंक निफ्टी के सिर्फ बैंक निफ्टी के कॉल्स भी देंगे। तो जल्दी से आपको हमको व्हाट्सअप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया हुआ है, जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए और आपका अकाउंट हमारे अंडर में फ्री में शिफ्ट करवा दीजिए और डबल बेनिफिट लीजिए।